हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीनदयाल दुबे श्री कृष्णा चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास इलेवेंथ में फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट्स, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है और उनके कुछ डायमेंशनल फार्मूला को भी डिराइव करना है और उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करना है। कम टू द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो बेसिक हो या आर्बिट्रेली चूज की गई हो, यदि उसको मुझे कंपैरिजन के स्टडी से मेजर करना है किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी या उसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी दूसरे अमाउंट के रिस्पेक्ट में, तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस हम आर्बिट्रेरी और बेसिक फिजिकल डायमेंशन को एक्वायर करते हैं, उसको हम यूनिट के नाम से जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई अ नंबर अकम्पनीड बाई अ यूनिट, ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर। द यूनिट फॉर द फंडामेंटल आर बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल आर बेस यूनिट्स। द यूनिट्स फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स, सच यूनिट्स ऑब्टेंड फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, बोथ द बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। Now, International System of Units. In earlier time, scientists of different countries were using different systems of units for measurement. Three such systems: first, CGS; second, FPS, are also known as British system; and third one, MKS system, were in use extensively till recently. The base units of our length and time in these systems were as follows. First, in CGS system, they were centimeter, gram and second respectively. In FPS system, they were foot, pound and second respectively. In MKS system, they were meter, kilogram and second respectively. The system of units which is at present internationally accepted for measurement is the system international D units. इसको अगर हम फ्रेंच में कहें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से कह सकते हैं। Abbreviated at SI, simply इसको हम अगर संक्षिप्त में कहें तो SI, the SI or the Standard Scheme for Symbol, Units and Abbreviation was developed and recommended by the General Conference on Weights and Measure in 1971 for international uses in scientific, technical and industrial and commercial work. Because SI units used decimal system, conversions within the system are quite simple and convenient. We shall follow the SI units in this book.
आल्सो इन ऑल ओवर टॉपिक, हम अपने सभी टॉपिक में एसआई सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। एसआई सिस्टम 7 बेसिक पार्ट में बटा हुआ है, उन सब के बारे में, उन सब की डिफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। बिसाइड्स दीज 7 बेसिक यूनिट्स, देर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर डिफाइंड। उन सातों के अलावा 2 और यूनिट हैं जिनको हम क्रमशः प्लेन एंगल डी थीटा एंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा के नाम से भी जानते हैं। प्लेन एंगल डी थीटा एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क डी एस, ये एंगल डी थीटा बना हुआ है। यहाँ पर एक आर्क लेंथ आपको डी एस दिख रहा है और इस डी एस आर्क के दोनों टर्मिनल्स को मिलाती हुई लाइन एक किसी पॉइंट पर जाके मिल रही है। अब इस पॉइंट पर से चलने वाली दोनों लाइनें जो उस आर्क लेंथ के एंड्स को टच कर रही हैं, दोनों लाइनों का जो इंक्लिनेशन है, इनका इंक्लिनेशन जिस फिजिकल क्वांटिटी द्वारा मेजर किया जाता है उसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं। एंड दिस प्लेन एंगल कैन बी डिफाइंड एज डी एस बाई आर्क, इट मीन्स आर्क अपॉन रेडियस। सो द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, कम टू द टॉपिक सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। डी ओमेगा एज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स ओ एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस आर। जरा ध्यान से देखिए तो मुझे मिलेगा, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए दिया हुआ है। आप देखिए, एक छोटी सी एरिया एलिमेंट डी ए दिया हुआ है और इस एरिया एलिमेंट के समस्त टर्मिनल्स को, या आप कहिए बॉर्डर के प्रत्येक पॉइंट को, एक सिंगल पॉइंट से ज्वाइन किया गया है जिस पॉइंट का नाम ओ है। ओ से चलती हुई समस्त लाइनें एरिया डी ए के बॉर्डर को टच कराती हुई ड्रा कर दी गई हैं। तो इन सभी लाइनों के अंदर ही अंदर एक एंगल, या आप कह सकते हैं सॉलिड एंगल सबटेंड किया जा रहा है और उस सॉलिड एंगल का नाम डी ओमेगा है। अगर जनरली हम इस डी ओमेगा का मान इस एरिया और इस एरिया की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से ओ से अगर हम निकालना चाहें, मतलब आर के रूप में निकालना चाहें, तो कैसे निकल सकता है? डी ओमेगा विल बी इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ दिस सॉलिड एंगल इज स्टे रेडियन। सो नाउ कम टू द पॉइंट, द सॉलिड एंगल डी ओमेगा कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट द एपेक्स ओ एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस आर। नाउ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन विद द सिंबल आर ए डी, रेड, वी रीड इट एज रेडियन। एंड द यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल इज स्टे रेडियन विद द सिंबल एस आर ओनली, एस आर, स्मॉल एस स्मॉल आर। बोथ इज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी बिकॉज दे आर द प्योर रेशियो ऑफ टू सिमिलर डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम देखें प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में डी थीटा कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डी एस एंड आर। सो डी एस इज द लेंथ एंड इट्स यूनिट इज मीटर एंड आर इज ऑल्सो लेंथ, इट्स यूनिट इज मीटर। सो द यूनिट ऑफ द डी थीटा इज रेडियन बट द डायमेंशन ऑफ डी थीटा इज नॉट प्रेजेंट। सिमिलरली द डायमेंशन फॉर द सॉलिड एंगल इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, ओनली द स्टे रेडियन इज द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल कैन बी ट्रीटेड एज हियर। नाउ वी कम टू द पर्टिकुलर टेबल इन विच ऑल द 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। फर्स्ट, इफ यू टेक द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट नेम इज लेंथ। द एसआई यूनिट फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी इज मीटर एंड द सिंबल फॉर द यूनिट इज एम, स्मॉल एम। द डिफिनेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेजेंटेड हियर।
द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। ये डिफिनेशन 1983 में अडॉप्ट की गई थी। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया गया है 299792458, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। एक सेकेंड में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी का मान है 299792458। मतलब अगर इसको हम जनरली देखें तो ये हो जाएगा 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सिंपली 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड इफ वी राइट इट एक्यूरेट फॉर्म देन 2.99792458 मीटर पर सेकेंड। सो द डिफिनेशन ऑफ द मीटर इज द मीटर। सोचिए अगर एक सेकेंड में लाइट 299792458 मीटर की दूरी तय करती है तो एक मीटर कितना होगा? तो एक मीटर वह डिस्टेंस है जो कि लाइट के द्वारा 1/299792458 सेकंड में तय किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटी हुज नेम इज मास एंड द एसआई यूनिट फॉर दिस क्वांटिटी इज किलोग्राम। द सिंबल फॉर द यूनिट इज केजी, स्मॉल केजी। द डिफिनेशन फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन एज हियर। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France। ये डिफिनीशन 1889 में अडॉप्ट की गई थी और इसके तहत अगर हम जानना चाहें व्हाट इज वन किलोग्राम, देन आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है जिसको वेट्स फॉर मेजर के लिए यूज करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो फॉर वेट्स एंड मीजर। और ये संस्था बहुत बड़ी संस्था है, ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट एक स्थान है सेवरे, उसी के पास स्थित है। और वहाँ एक सिलेंडर रखा गया है, उस सिलेंडर जो है प्लेटिनम और इरिडियम दोनों मेटल से मिल करके अर्थात एक गोलाय के रूप में बना हुआ है और उस सिलेंडर का एक पर्टिकुलर वेट मेजर किया गया है, माना गया है, जिसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम। उसी के आधार पर जितने भी वेट्स हैं वो सब आगे बनाए गए हैं। तो द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम विच इज मेड विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर एंड kept it at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris। ये डिफिनीशन 1889 में अडॉप्ट की गई। Now come to the third physical quantity, that is time, whose unit is second and the symbol for the unit is taken as small s। Now the definition of the second, the second is the duration of, आप देखिए सिंपल मोबाइल नंबर की भांति इसको याद कर सकते हैं, 91 92 631 770, 91 92 631 770, 9192 631 770, 9,192,631,770। ध्यान दीजिएगा एक नंबर है। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 133 एटम। ये डिफिनीशन जो है 1967 में अडॉप्ट की गई थी। और सीजियम क्या है इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। सीजियम
55 ही होता है इसका एटॉमिक नंबर, और ये एक एल्कली मेटल है। इसके जब हाइपरफाइन लेवल स्ट्रक्चर को प्राप्त किया गया तो इसके ग्राउंड स्टेट में जो रेडिएशन प्राप्त किया गया, वो रेडिएशंस की जो पीरियड्स थे वो उनको जब मेजर किया गया तो लगभग आपको मिला 9,192,631,770, इतना हाई पीरियड। अर्थात सीजियम एटम के द्वारा अपने ग्राउंड स्टेट में रहते हुए हाइपरफाइन लेवल में जो रेडिएशन प्रोड्यूस किया जाता है ट्रांजिशन के दौरान, वो रेडिएशन यदि कितना पीरियड प्रोड्यूस करे, 9,192,631,770, अर्थात अगर हम इसको ऐसे देखें 9,19,26,31,770, इतना पीरियड, इतना वाइब्रेशन, इतना ऑसिलेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं एक सेकंड का समय बीत गया। अर्थात एक सेकंड इस मामले में तो बहुत बड़ी हो गई, बट एक सेकंड हमारे लिए बहुत ही स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। नाउ फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड द सिंबल फॉर द यूनिट द इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए। It can be defined as the ampere is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2×10⁻⁷ newton per meter of length। ये डिफिनेशन 1948 में अडॉप्ट की गई थी लॉरेंट्स रूल के बाद। आपको बता दें यदि आप दो स्ट्रेट वायर ले लें और वो वायर पतले क्रॉस सेक्शन के होने चाहिए और इनफाइनाइट लेंथ के होने चाहिए, और दोनों को पैरेलली रख करके उन दोनों में कोई करंट सेटअप करिए, अगर उन दोनों में आपने एक एक एम्पियर की करंट सेट की तो निश्चित रूप से उन दोनों वायर को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे को 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, माने प्रति एकांक लंबाई के पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर। The ampere is that constant current which, when maintained in two straight parallel conductors of infinite length and of negligible cross-section area and placed 1 meter apart in vacuum, would produce between these conductors a force of equal to 2×10⁻⁷ newton per meter of length. Fifth physical quantity is thermodynamic temperature, that is also simple temperature. The unit for this physical quantity is Kelvin and the symbol for the unit is capital K. The Kelvin is the fraction of 1/273.16 of thermodynamic temperature of triple point of water. ये definition 1967 में adopt की गई थी, और आपको बता दें कि 273.16 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है ये ट्रिपल पॉइंट वाटर के ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है यदि उसको 273.16 पार्ट प्राप्त करूं तो वो 1 हो जाएगा। तो 1 केल्विन इज द 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दिस डेफिनेशन वाज अडॉप्टेड इन 1967। नाउ कम टू द सिक्स्थ physical quantity, that is amount of substance. The unit for the amount of substance is mole, and the symbol used for this unit is mol, small mein mol. The mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12.
ये डिफिनीशन 1971 में अडॉप्ट की गई थी। इस डिफिनीशन में बताया गया है कि यदि हम कार्बन 12 के 12 ग्राम अथवा 0.012 किलोग्राम, तो 0.012 किलोग्राम का मतलब 12 ग्राम हो गया, अगर कार्बन 12, कार्बन 14 ये सब आइसोटोप हैं, तो अगर मैं कार्बन के एक आइसोटोप कार्बन 12 को लूं और उस कार्बन 12 का मात्र 12 ग्राम मटेरियल को ले लूं, तो उस कार्बन 12 के 12 ग्राम में कि जितने एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब एटम्स है, अगर वो उपस्थित होंगे, वो उनकी टोटल जो संख्या होगी उन्हीं संख्या को हम एक मोल कहेंगे। तो इस प्रकार से वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। सो एक मोल वह किसी सब्सटेंस किसी सिस्टम में किसी सब्सटेंस का एक मोल वह अमाउंट है जो कि कार्बन 12 के आइसोटोप कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित एलिमेंट्री एंटिटीज के मान के बराबर होता है। सो नाउ कम टू द लास्ट नेम इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इट्स फिजिकल यूनिट इज कैंडेला एंड द सिंबल फॉर द यूनिट इज स्मॉल सी स्मॉल डी। द डिफिनेशन फॉर दिस द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी 540 × 10^12 हर्ट्ज एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। यह डिफिनेशन 1979 में अडॉप्ट की गई। इसमें इसको समझने के लिए हम आपको ऑप्टिक्स में जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी और रेडिएंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट पढ़ाएंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट होती हैं, उन सब के बारे में जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक, ओके, थैंक यू।